हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप हिमाचल। सो आज हम देखने वाले हैं इस सेशन में एचएस मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 2018 से लेकर 2020 तक जो पूछे गए हैं सोशल कस्टम एंड कल्चर ऑफ हिमाचल से रिलेटेड। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले दो सेशंस में देखा हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश का, कल हमने देखा था ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल और आज हम देखने वाले हैं सोशल कस्टम एंड कल्चर ऑफ हिमाचल। तो इस सेशन से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हिमाचल जीके का जो पोर्शन है, ठीक है, उसको हमें जो स्टडी करना है मेंस के लिए, उसको आप जो प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको एक बार ज़रूर देख लेना है। ठीक है, ज्योग्राफी में हमने देखा कि मैक्सिमम जो पोर्शन है वो 20 मार्कर उसमें क्वेश्चंस हमारे बन रहे हैं। वैसे ही जो सोशल कस्टम एंड कल्चर ऑफ हिमाचल वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसमें ट्राइब्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, डिफरेंट मैरिज फॉर्म्स जिसमें आती है, फेयर फेस्टिवल्स से रिलेटेड चीज़ें जिसमें आती है, ठीक है, तो इसमें आपके जो क्वेश्चंस है वो बन रहे हैं 4 मार्कर और 8 मार्कर के। मैक्सिमम आपको 4 मार्कर ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, जो भी आप पढ़ो इन टॉपिक में उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप किसी ट्राइब के मैरिज कस्टम पढ़ रहे हो या फिर आप कोई और बर्थ कस्टम है या फिर डेथ कस्टम है, तो उनके बारे में थोड़ी डिटेल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायरेक्ट उस कस्टम से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे बट्टा सट्टा से रिलेटेड पूछा गया है, करेवा से रिलेटेड पूछा गया है। ठीक है, तो इस टॉपिक को थोड़ा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो आज देखने वाले हैं आपको इंडिकेटिव आंसर्स मिलेंगे यहाँ से, और एक और चीज़ कि जो कस्टम्स होते हैं जो बुक्स में मेंशन है और जो एक्चुअल में जो फॉलो होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो हमने वही यहाँ पर लिखा है जो हमारे रेफरेंस बुक्स में है। ठीक है, क्योंकि ये आपने भी नोटिस किया होगा जो बुक्स में है और जो एक्चुअल में है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। अब आज का जो सेशन है उस पर हम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो ये पीडीएफ है ये आपको ऑलरेडी अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो आप जो मेन जो कंटेंट है जो वहाँ से भी आप देख सकते हो। जो मेरा मोटिव है वो आज यही है कि जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस में पूछा गया है उसकी डिमांड को हम कैसे फुलफिल करें, क्योंकि जो चीज़ें यहाँ पर पूछी गई होगी आप लोगों से वो डेफिनेटली आपको आती होगी, पर हमें क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करना होगा। यानी कि हमें एक ही डायमेंशन में अपने आंसर को लिखना होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट, ब्रीफ नोट ऑन मैरिज प्रैक्टिस इन हिमाचल प्रदेश। तो ये तो चलो नोट पूछा गया है आपसे मैरिज प्रैक्टिसेस के बारे में जो हिमाचल में होती है। ठीक है, अब ये आपको 60 वर्ड में लिखना है। 60 वर्ड्स में मतलब कि आपका ये 4 मार्कर का क्वेश्चन है, तो 4 मार्कर में अगर आपके पास इंट्रोडक्शन अगर आप नहीं दोगे तो भी 4 डायमेंशन से रिलेटेड उसमें चीज़ें आपकी आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस है जैसे मोनोगैमी है, पॉलीगैमी है, पॉलीएंड्री है, ठीक है, पॉलीगैमी है, ये सब जो मैरिज प्रैक्टिसेस हिमाचल में फॉलो होती है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और उसके बाद हमें विद एग्जाम्पल उसको मेंशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं जैसे बट्टा सट्टा हो गया। ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राइट अ ब्रीफ नोट ऑन ट्राइब्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आपको ट्राइब्स के बारे में बताना है हिमाचल प्रदेश की। अब ये 60 वर्ड्स में है, यहाँ पर आपको एंशिएंट और मॉडर्न दोनों ट्राइब्स के बारे में जो है कंटेंट मिल जाएगा, बट हमें 60 वर्ड में जब इसको लिखना होगा तो हमें क्या करना होगा, जो इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है जैसे कि गद्दीज है, स्वांगला है, किन्नौरा है, लाहौला है, ठीक है, या आप एंशिएंट से खाशास के बारे में लिख सकते हो, कीर्तास के बारे में लिख सकते हो, उनके बारे में डिटेल में लिखना है। हमें ये नहीं करना है कि हमने एंशिएंट और मॉडर्न ट्राइब्स सिर्फ ट्राइब्स के नाम लिख दिए और आंसर को छोड़ दिया, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें भले ही हम 4 ट्राइब्स लिखे बट हमें उसके बारे में डिटेल में लिखना है। तो आप इन सब ट्राइब में से कोई भी 4 ट्राइब्स को ले सकते हो और उसको अपने आंसर में डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो ये कंटेंट है ये डेफिनेटली आपको ज़्यादा ही देखने को मिलेगा कि ये आपका एज अ नोट्स भी काम कर सकता है। अगर आपको कोई और पॉइंट्स भी यहाँ से अच्छे लगे तो आप अपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में भी उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि कभी ये क्वेश्चन 8 मार्कर में पूछा जाए। नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पर आपसे पूछा है नोट ऑन द इम्पैक्ट ऑफ लीगल प्रोटेक्शन टू शेड्यूल कास्ट इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये भी 60 वर्ड्स का है। ठीक है, तो आप इसमें जो इम्पैक्ट्स है जैसे कि द अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस एक्ट जो हमारा 1955 है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल स्कावेंजर एंड कंस्ट्रक्शन टू ड्राई लेट्रिन प्रोहिबिशन एक्ट 1993 है। ये सारे के सारे एक्ट्स आप इसमें डाल सकते हो और अपने आंसर को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज बट्टा सट्टा रिचुअल इन हिमाचल प्रदेश, मेंशन इट्स फंक्शन। अब ये भी 60 वर्ड्स में है, बट आपको यहाँ पर पहले बट्टा सट्टा जो रिचुअल है, बट्टा सट्टा एक मैरिज फॉर्म होती है जो गद्दी ट्राइब फॉलो करती है, उसके बारे में मेंशन करना है और फिर उसके बाद आपको इसके फंक्शंस बताने हैं। अब फंक्शंस का को आप किस तरह से मेंशन कर सकते हो, उसके सोशल फंक्शन, उसके कल्चरल फंक्शन, उसके इकोनॉमिकल फंक्शंस। ठीक है, तो तभी हमारा जो आंसर ये कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि डिटेल में आप पीडीएफ से इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द फॉर्म ऑफ फैमिली इन हिमाचल प्रदेश। अब फॉर्म्स ऑफ फैमिली, इससे रिलेटेड चीजें पूछी है। देखो वहां पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वहां पर था मैरिज प्रैक्टिसेस के बारे में पूछा हुआ, तो मैरिज प्रैक्टिसेस पूछी थी, तो हमें उस जो मैरिज प्रैक्टिस होती है उसको पहले बताना था, फिर एग्जाम्पल से देना। ऐसे ही यहाँ पर फॉर्म्स ऑफ फैमिली लिखा है, तो जो फैमिली है हिमाचल प्रदेश में वो जॉइंट फैमिली भी है, न्यूक्लियर फैमिलीज भी है। ठीक है, तो जो आंसर है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। पहले आपसे आपको यहाँ पे बताया गया है जो फैमिली जो है हिमाचल प्रदेश में उसके बारे में, और फिर बाद में है कि टाइप्स ऑफ फैमिली जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ पर है डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फैमिली अमंग द ट्राइब्स इन हिमाचल प्रदेश, कि किस तरह से जो ट्राइबल जो लोग हैं, ठीक है, उनकी फैमिली में जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई है, तो ये आप इसको जो हम सोसाइटी में भी पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बेस पे भी अपना आंसर बना सकते हैं कि स्ट्रक्चर चेंजेस के बेस पे लिख दिया, फंक्शन चेंजेस के बेस पे लिख दिया। देखो जो भी हमारा सोशल कस्टम वाला चैप्टर है हिमाचल का, अगर हमें जो एक टर्म होती है उसको हम सोसाइटी से की जो डेफिनेशन होती है, जो सोशलॉजी में जो डेफिनेशन होती है उसको हम मेंशन कर सकते हैं और फिर बाद में जो एग्जाम्पल है वो हिमाचल के डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी हम अपने आंसर को लिख सकते हैं जो हमारा ये वाला पोर्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा और ज़्यादा है भी नहीं। ठीक है, तो जो टर्म पूछी है, जो उसकी डेफिनेशन है, वो हम अपने जो सोसाइटी में मेंशन है, जो सोशलॉजी वाली जो टर्म्स होती है उसकी हमने डेफिनेशन दे दी, और साथ में जब एग्जाम्पल हम लिखेंगे तो वो हम हिमाचल का दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट सिस्टम इन हिमाचल प्रदेश, तो जो स्ट्रक्चरल व्यू है उसकी पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, बट जो एग्जाम्पल है वो हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देंगे। फिर फंक्शनल व्यू ऑफ कास्ट लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन हम पहले लिखेंगे और फिर जो एग्जाम्पल है उसको हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव से देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द सोशल इम्प्लीकेशन ऑफ करेवा फॉर वुमेन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आपको जो करेवा है उससे रिलेटेड उसकी जो सोशल इम्प्लीकेशन है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अब करेवा की पहले डेफिनेशन दे दो। जो करेवा है वो एक विडो रीमैरिज होती है, फिर उसके बाद उसकी जो सोशल इम्प्लीकेशन है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर पॉइंट्स मैंशन है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट है डिफाइन द टर्म रीत। ठीक है, डिस्कस द एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट टुवर्ड रीत कस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें रीत को डिफाइन करना है, और ये 120 वर्ड्स का है, 8 मार्कर का है, तो यहाँ पर हम जो रीत है, रीत को प्रॉपरली उसको डिफाइन करेंगे, और फिर उसके बाद जो हिल स्टेट का एटीट्यूड था टूवर्ड्स रीत उसको हम मेंशन करेंगे। तो उसी तरह से हमें स्ट्रक्चर भी करना है अपने आंसर को, जैसे यहाँ पर भी है कि एटीट्यूड ऑफ हिल स्टेट टूवर्ड रीत कस्टम जो था वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद उसको हम कंक्लूड करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन अंडर द ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये अगेन 4 मार्कर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है डिस्कस द बेसिक चेंजेस इनकाउंटर फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल इन हिमाचल प्रदेश। ये 2019 में मैक्सिमम जो चीज़ें थी पूछी हुई, ये आपको जो ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड पूछी गई थी। ठीक है, और जो 2020 वाला हमारा एग्जाम हुआ था वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो आपसे पूछी गई थी टूरिज्म से रिलेटेड, है ना। तो जो हिमाचल वाला पोर्शन है उसमें हमें कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, क्योंकि किसी भी टॉपिक से बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो बन सकते हैं। खासकर जो हम 2019 और 2020 का जो पैटर्न देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि 2019 में ट्राइबल वाला पोर्शन इन्होंने बहुत डाल दिया था, 2020 में टूरिज्म वाला पोर्शन इन्होंने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, ठीक है। तो इस बार भी हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जहाँ से हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। तो जो सोशल कस्टम वाला जो हमारा हिमाचल वाला जो ये पोर्शन है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के ज़रूर जाइएगा। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत डिटेल में पढ़ के ज़रूर जाइएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, डिस्कस द बिलीफ एंड प्रैक्टिस ड्यूरिंग बर्थ एंड डेथ एमंग किनौरा ट्राइब। तो यहाँ पर भी अगेन कस्टम्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जो बर्थ कस्टम है और जो डेथ कस्टम है किनौरा ट्राइब से रिलेटेड, वो आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इसी तरह से जितने भी मॉडर्न हमारे ट्राइब्स है, स्वांगला है, लाहौला है, खाम्पास है, पंगवाल है, ठीक है, इन सब के जितने भी कस्टम हैं उनको बहुत प्रॉपरली पढ़ के जाना है, ठीक है। आपने डेफिनेटली प्रीलिम्स के लिए पढ़े होंगे, पर मेन्स के लिए आपको थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ के जाना है। और उसके जो नेम्स है कि जैसे यहाँ पे डेथ कस्टम है रुगन फुगन भगन, तो ये भी हमें पता होने चाहिए कि नेम क्या है, उसके बारे में थोड़ी और डिटेल, ठीक है। तो ये आपका डेथ कस्टम से रिलेटेड है और बर्थ कस्टम जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हैं। यहाँ पर जो मेन चीज़ है वो यही है कि जिस तरह से क्वेश्चन में पूछा गया है उसी तरह से अपने आंसर को स्ट्रक्चर करो। जो जैसे यहाँ पर सबसे पहले अगर हम ये इसी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर बिलीफ्स एंड बर्थ कस्टम ड्यूरिंग बर्थ एंड डेथ। तो सबसे पहले बर्थ कस्टम पूछा है, फिर डेथ कस्टम पूछा है, ठीक है। तो उसी के बेस पे हमें अपने आंसर को बनाना है कि जो बर्थ कस्टम और डेथ कस्टम के बिलीफ और जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे आंसर में मेंशन होने चाहिए। तो ये जो आंसर्स है ये डेफिनेटली इंडिकेटिव आंसर्स है, ठीक है। आपको यहाँ पे डिटेल में चीज़ें देखने को मिलेगी, बट आपको क्या करना है जब आप अपने आंसर्स प्रैक्टिस करते हो, उसको कोशिश करना है कि जितना स्पेस हो, 60 वर्ड्स के लिए जितना हमारा स्पेस होता है उसमें हम अपने आंसर को कवर अप करने की कोशिश करें। और जो डिफरेंट डायमेंशन हो, 4 मार्कर में कोशिश करनी है कि डिफरेंट डायमेंशंस देने की, ये नहीं कि हमें एक ही डायमेंशन पे हमने पूरा का पूरा आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये थे आज के सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसका पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर है, ये आपको हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम में। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।